आप लोग देख सकते हो हमारी जो पैकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये क्रिश का पैक है और ये मेरा और हब। Your smile keeps playing, your miles away, yeah. I would go overseas just like that. आप सब कैसे हो? होप करती हूँ आप सभी अपने अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा राजी ब्लॉग्स। और मैं जा रही हूँ अभी अपना जो गाड़ी का है जो लाइसेंस का जो फोटो खिंचवाने जा रही हूँ, और वो काफ़ी टाइम से मेरा पेंडिंग था। बहुत टाइम से वो लोग बुला रहे हैं कि आप ये काम करवा लो, और मैं बहुत टाइम से ये वाला चीज़ आलस कर रही थी कि जाऊँगी, बट आज मैं फाइनली उसके लिए जा रही हूँ। और अभी 11 बज रहे हैं, उधर से आधे टाइम मैं क्रिस को लेते हुए अभी घर आऊँगी। अभी मैं जा रही हूँ हबी के साथ, तो चलते हैं गाइस। तो मैं आ चुकी हूँ घर क्रिश को लेके, और क्रिश ना बहुत बदमाशी कर रहा है। और गाइस मैंने ना सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। तो मैं जस्ट आई और मैं जस्ट चाय और बिस्किट वगैरह ये सब खाई, तो मुझे कुछ अभी रिलीफ मिला है। और मैं बना रही बहुत बदमाश हो गए हो तुम, बहुत बदमाश, कुछ भी उठा के फेंक के मार रहा है, कुछ भी उठा के। रुको दो मिनट। सो गाइस ये काफी ज्यादा बदमाश हो गया, चीजें उठा उठा के मेरे पे फेंक रहा है। वो बॉटल है ना, नो अनिरुद्ध, नो, वेरी बैड हैबिट अनिरुद्ध, वेरी बैड हैबिट। मेरे बच्चे क्यों तुम इतने बदमाशी कर रहे हो, क्यों क्यों अनिरुद्ध क्यों? हाँ आप गुड बॉय हो ना, अनिरुद्ध बैड बॉय हो गया है ना। तो मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ क्योंकि मैंने बालों में लगाया है रोजमेरी वाटर, तो इसलिए मैं सूखने के लिए यहाँ बालकोनी में लेटी हुई हूँ, क्योंकि रूम में एसी चल रहा है और क्रिश सो चुका है, तो उसे डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं यहाँ आ चुकी हूँ। क्योंकि इसे बालों में लगाने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने बालों को वॉश किया है, काफ़ी ठंडा ठंडा फील हो रहा है, तो मुझे सर्दी वर्दी ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे बालकनी में आ गई हूँ कि मेरे बाल अच्छे सूख जाए, उसके बाद मैं रूम जाऊँगी। और क्रिस को मैं सुलाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो अभी सोया है, और ज़्यादा चांसेस है कल उसका स्कूल जो है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो रात को सोएगा नहीं। तो खैर वो सो गया, उसके बालों की मैंने जंपी कर दी तो वो उससे सो गया, उसको काफ़ी रिलीफ मिला इससे, तो वो सो गया। खैर कोई नहीं, वो सो जाए। और मैं अभी यहाँ पर हूँ, और रात को मुझे आदिवासी हेयर ऑयल भी लगाना है, इसलिए मैंने जो भी हेयर केयर है वो मैं आज ही करके रख लेती हूँ, कल हम लोग को निकलना है। गाइस मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि हमारा जो ट्रिप का प्रोग्रेस, तो मैं आज से आज सुबह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी पैकिंग वगैरह करने में। 2-3 दिन से मैं पैकिंग करी, क्योंकि जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो एक दिन मैं रखती हूँ खुद का पैकिंग के लिए, मैं दूसरे दिन रखती हूँ हस्बैंड का, और तीसरे दिन मैं क्रिश का पैकिंग करती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा आज मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। कपड़ा वगैरह वॉश भी किया मैंने, काफ़ी सारा आयरन भी मुझे करने पड़े, पैकिंग भी मुझे करने पड़े। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोग को मैं अगले ब्लॉग में मैं आप लोग को इसका मैं बता दूँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और हमारे साथ कोई और भी जा रहा है, तो मैं आप लोग को ये सब कुछ कल बताऊँगी, और कल आप लोग को देखने को भी मिलेगा कि हम लोग कौन कौन जा रहे हैं। तो सब कुछ पैकिंग हो चुका है, बस अब हम लोग का जो कल का ट्रेन है वहाँ से हम लोग को निकलना है। और ये ब्लॉग मैं नेक्स्ट डे सुबह कंटिन्यू कर रही हूँ, और अभी चले गए हैं ऑफिस, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है, बहुत ज़्यादा मैं बिजी रहने वाली हूँ क्योंकि आज शाम को निकलना है, शाम को 7 बजे हमारी ट्रेन है, तो उससे पहले मुझे जो घर का सारा जो काम है वो सब मुझे करके जाना है। तो मैं मेरा आदत है कि मैं घर को एकदम नीट एंड क्लीन और सारा जो घर का काम है वो ख़त्म करके ही मैं कहीं जाती हूँ, क्योंकि 4-5 दिन के लिए जाना रहता है,
तो उसके बाद जब रिटर्न आती हूँ तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता, उस टाइम बहुत ज़्यादा आलस पड़ता है घर का काम करने में, तो वो सब चीज़ें जब सारी रहती है तो बहुत अच्छा लगता है। और फ्रिज में भी जो भी सामान है वेजिटेबल्स है वो भी मैं चेक कर लूँगी कि कोई चीज़ है जो ख़राब ना हो जाए, और जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें रहेंगी वो मैं मेड वगैरह को किसी को मैं दे दूँगी ताकि वो चीज़ें जो है ख़राब ना हो, और कोशिश करूँगी कुछ कुछ बना लूँ। वैसे तो हमारी जो ट्रेन है उसमें खाना वगैरह इंक्लूड है तो कुछ ले जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बस मैं क्रीज के लायक जो खाता है वो सब मुझे ले जाना होगा। गाइस आप लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे जाने के लिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं हम लोग। रात को लगाया है, रात को मेरा जो आदिवासी हेयर ऑयल है उसको मैंने लगाया है, और मैं अभी इसको जो है वॉश करने वाली हूँ। क्रीज को भी मैंने अच्छे से कल ऑयलिंग कर दी थी तो उसको भी आज मैं नहला दूँगी। तो मैं जल्दी से घर का काम है जो वो कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ क्योंकि 5 बजे हम लोग को निकलना है। सॉरी गाइस मैं 4 बजे बोली थी, हमारी जो ट्रेन है 7 बजे है, तो 5 कब बचाएगा मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। मेरे पास अभी 12 बजने वाले हैं और 3-4 घंटा बचा है मेरे पास, तो मैं इतने देर में कोशिश करती हूँ क्योंकि इतने देर में मुझे ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ बनाना है, फिर सारे बर्तन वगैरह ये सब भी वॉश करना है, तो टाइम बहुत कम है मेरे पास। आप लोग देख सकते हो हमारी जो पैकिंग है वो कम्प्लीट हो चुकी है। ये क्रिश का बैग है और ये मेरा और हबी का है, और ये हबी का छोटू सा बैग और मेरा एक पर्स रहेगा, और इसमें जो है थोड़ी बहुत खाने पीने की सामान, वैसे कुछ डिनर वगैरह इसमें नहीं है, बस क्रिस का जो भी स्नैक्स बिस्किट और सरलेक वगैरह वो मैंने इसमें रख लिया है, और बाकी ये 2 बैग हमारे जा रहे हैं, तो ये पूरा जो है पैकिंग हमारा जो कंप्लीट है पूरा आ चुके हो। और मैंने क्रिस को भी अच्छे से नहला दिया है, और आपको मैंने कहा था कि मेरा देखते देखते टाइम गुजर जाएगा, 4 बज चुके हैं ऑलरेडी और 1 घंटा मेरे पास बचा है, और अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। मुझे प्रॉपर अभी वहाँ पे जो जो ले जाने का है वो सब मैंने सिर्फ कटिंग करके रखा है, कुछ बनाया नहीं अभी तक, तो मुझे अभी लग जाना है फटाफट से। मैं भी लग जाती हूँ फटाफट से काम में क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, 1.5 घंटे हैं, 1.5 घंटे में मुझे सारा कुछ करना है। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने पनीर कट के रख कर लिया है, और अभी का डिमांड है कि उनको पनीर चिल्ली खाना है, तो मैं पनीर चिल्ली बना के वहाँ पर जो है ले जाने वाली हूँ क्योंकि घर पर पनीर बचा हुआ था और ये ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहता भी नहीं है, जब तक मैं आऊँगी ये ख़राब हो चुका रहेगा, इसीलिए मैं सोच रही हूँ इसे यूज़ कर लेती हूँ अच्छा से। और मैंने यहाँ पे क्रिस के लिए जो है आलू कट करके रखा हुआ है क्योंकि वो आलू भुजिया और रोटी खाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो खाना मिला हो सकता है कि वो ना खाए, तो उसके लिए तो मुझे ले जाना होगा। और मस्त उसके लिए मैं पतली पतली घी वाली रोटी बना दूँगी ताकि वो आराम से वहाँ पे खा ले। और क्रिस आज सो के लेट से उठा है तो वो आज ट्रेन में सो ही जाएगा टाइम पर, क्योंकि ट्रेन में वो काफ़ी ज़्यादा बदमाशी भी करने लगता है, तो अच्छा है कि दिन में वो ना ही सोए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब मुझे गाइस लग गई थोड़ी सी भूख, मैं थोड़ा सा खा के आप लोगों को। हे एवरीवन, तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ पनीर चिल्ली का, क्योंकि घर पे पनीर पहले से बहुत ज़्यादा था, तो मैं सोच ही रही थी कि मैं इसका क्या करूँ क्या करूँ, मैं अकेले तो इसे खा नहीं सकती हूँ बना करके, तो अभी ने कहा कि बना दो पनीर चिल्ली क्योंकि मुझे पनीर चिल्ली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और पनीर चिल्ली ऐसा चीज़ है ना जो आपको ठंडा भी हो जाए ना तो भी आपको खाने में अच्छा लगता है, बाकी सब्जी जो होता है जो ठंडे के बाद खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट ये चलता है ठंडा में, और ये जल्दी चिल्लीज़ वगैरह जो है वो जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, तो वो अच्छा है 1-2 दिन के लिए, बट हम लोग 1-2 दिन के लिए तो नहीं जा रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग पूरी रात भी नहीं ट्रेन में रहने वाले हैं, 7 बजे की हमारी ट्रेन है और हम लोग 2:30 में हम लोग जो है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो हम लोग का रात भी पूरा नहीं होगा ट्रेन में, तो जो भी हम लोग वो डिनर के साथ हम लोग वो चीज़ खा लेंगे। और मैंने क्रिस के लिए बनाया नहीं, एक्चुअली मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट पतली पतली सी रोटी घी वाली, और उसके लिए आलू भुजिया क्योंकि वो वही सब खाता है, ट्रेन वाला खाना वो खाएगा नहीं थोड़ा सा भी, तो इसीलिए उसके लिए जो है मुझे खाना बना कर ले जाना ही पड़ता है। और हम लोग के लिए जो है मैं हम लोग के लिए पनीर चिल्ली बना रही थी, वहाँ पर खाना इंक्लूड है तो खाना तो मिलेगा ही, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा हम लोग का ये सब भी हो जाएगा। और काम वाली दीदी आई थी क्योंकि आज उनको पेमेंट देना था, तो वह जल्दी ही आ गई थी, तो घर का जो सारा काम हो गया, बट फिर भी मैंने इतना कुछ बनाया था तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे तो वह सब भी मुझे वॉश करना पड़ा। और मैं यहाँ पे बना रही थी एक साइड में रोटी और एक साइड में जो है पनीर चिल्ली, काफ़ी मैंने फास्ट काम किया क्योंकि टाइम काफ़ी कम था, 4 बज रहे थे और 1 घंटे या 1.5 आवर में हम लोग को निकलना है, तो थोड़ा सा मैं फास्ट काम कर रही थी। और क्रिस को भी संभालना पड़ रहा था, क्रिस एकदम अकेले रहता नहीं और मेरे बिना वो बार बार किचन से मुझे ले जाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, बट किसी तरह मैंने उसे कार्टून और गेम वगैरह में उसे उलझा के रखा ताकि वो मुझे काम करने दे,
क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं रहता है। और किचन में मेरा ज़्यादा 15 से 20 मिनट में रह लेती हूँ, तो बस उसे थोड़ा सा हो जाता है कि मम्मा अभी तक आई क्यों नहीं मेरे पास। तो मैंने उसे किसी तरह उलझा के रखा है हॉल में ताकि वो मुझे काम करने दे, और ज़रूरी भी है ये सब करना। पैकिंग वगैरह हो गई है हमारी, और मैं फ़ोन ही करने वाली थी अभी को कि वो कब आएंगे। सो गाइस, तो यहाँ पे मैं करने वाली हूँ पनीर फ्राई, और आप लोग को अगर मेरी जो है पनीर चिल्ली की रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं काफ़ी अच्छा बनाती हूँ पनीर चिल्ली, मैं खुद से ही अपनी तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो रेसिपी के बहुत लोग तारीफ़ करते हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों के सामने मैं खुद ही तारीफ़ करती हूँ। अगर आप लोग को चाहिए रेसिपी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी आराम से। 5 बज चुके हैं और हम लोग को निकलना है थोड़ी देर में, 5:30 तक हम लोग को निकलने का टाइमिंग है। और मैं अभी खा रही हूँ कुछ खाना थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आज लंच ही नहीं किया प्रॉपर अच्छे से, तो मैं कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी रेडी होने। क्रिस को मैं रेडी करूँगी, फिर अभी को फ़ोन करूँगी कि वो कहाँ तक पहुँचे, फिर हम लोग निकलते हैं गाइज। और इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो ज़रूर देखिएगा, तो आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। बाय बाय।